बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप भी खैरियत से हों। आज संडे की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। आराम से निकल आता है और आज हम इससे खाएंगे पराठे को, देसी ही खाएँ। ये देखिए मेरी चाय भी रेडी है, माशाल्लाह से चाय भी मेरी रेडी है। और ये देखें देसी घी है ये, और ये देसी घी हम इसमें लगा देंगे ताकि ये जले। इसी ऑयल में पका लूँगी मैं, और नहीं ऑयल यूज़ करना। आज हैवी नाश्ता करेंगे हैवी नाश्ता। ये नेशनल वालों का क्रश अचार है, ठीक है। संडे में हैवी नाश्ते के बाद आज बन रहा है लंच। लंच में आज मटन बनेगा और अपने साथ से बात करूँ। संडे का दिन है लेकिन इसको कोई काम नहीं मिल रहा करने को, तो मैंने इसे सेटिंग करने के लिए लगा दिया सब्जियों की, ठीक है। ये सब्जियों की सेटिंग करने के लिए लगा दिया और लहसुन छिलवाया इससे, और ये कद्दू कद्दू आ गए जनाब। ये देखे ज़बरदस्त किस्म के ये, लेकिन मैं आज नहीं बनाऊंगी कद्दू और बैंगन ना, ये मैंने कल और परसों के लिए मंगवा के रखे हैं, ठीक है। और ये मैं हरी चटनी बनाऊंगी इसके साथ, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार यमी किस्म की हरी चटनी मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी। और ये है आज मटन बनाएंगे। मटन बनाने के लिए मेरी तो रेसिपी वही पुरानी है, मेरे वीडियोस हैं चैनल पे ना काफ़ी इस सिलसिले में हाँ जी लो जी, कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता मेरी, देखे सब कमरे में घुसे हुए हैं आज आज हेल्प करवाओ मेरी। अच्छा हेलो गाइस, ये हूँ मैं और आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग। तो अब मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मम्मा ने कपड़े धोए थे कल और बहुत ढेर लगा हुए हैं, और अभी हम चलते हैं यहाँ। यहाँ हो रही है कुकिंग की तैयारी और किचन में अभी पकेगा। ये था हमारा नाश्ता जो कि अभी बर्तन से मिटते नहीं है। अंदर भैया होमवर्क कर रहे हैं और मैंने अभी चिल्ली खाई थी, और ये मैं हूँ। और ये देखिए मम्मा अभी तैयारी कर रही हैं कुकिंग की, अब ये होगा और अभी बाबा को मोबाइल लेके आते हैं। बैग पे अंगूर की प्लेट रखती, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी स्केच बुक। ये देखिए ये सारा कुछ मैंने बनाया है, बलून्स, गूगल, डूडल्स। ये मैंने एक पोइम लिखी है माय शेडो वाली, और ये बटरफ्लाई, ये विच थीम का मैंने बनाया है। यहाँ धनिया छीला जा रहा है, मैं क्या करूँ, अदरक भी है यहाँ, सब्जियाँ, गोश्त। आप बस आप जाओ जाके नहाओ, संडे है आज, अपने यूनिफॉर्म को प्रेस करके रखो। नो ये प्याज, ये वाला काटो ही प्याज, बिल्कुल नहीं है, नहीं क्यों प्याज ये कद्दू ये चले आपको, प्याज को कट करोगी तो फिर पता चलेगा है कि ये हम आ गए हैं बाहर और बहुत तेज धूप निकली हुई है, बादल बहुत अच्छे हैं और फोरकास्ट में बता रहे हैं कि संडे को तो गर्मी होगी लेकिन मंडे टिल फ्राइडे पूरे हफ्ते बारिश होगी। ये है हमारे पौधे, ये प्याज लगा है, प्याज भी उग रहे थोड़ा बहुत, और ये यहाँ हम डालते हैं कुछ और चीज़ें। अभी हम लेने चलते हैं सूखा धनिया, और ये आज मेरी की छुट्टी है तो मामा किचन में। मामा सूखा धनिया कहाँ है? ये बर्तन आ गए, सूखा धनिया ये कोई नहीं, अभी हम प्लांटिंग करते हैं। ये
हम सारा डाल देते हैं, अंदर भी घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल देते हैं। फिर थोड़ा सा पानी दे देंगे इन्हें। अब हम करते हैं नहाने की तैयारियाँ। मैंने यहाँ से ले लेते हैं हम टॉवल पिंक वाला, और ये मम्मा काटे हैं प्याज जो कि मेरी आंखों में बहुत पानी आ रहा है। अब ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये दो किस्म के आटे हैं, ये है जौ का आटा और एक है बाजरे का। तो ये दो आटों को मिक्स करके मैं गूंद लूँगी, क्योंकि इनके बाबा डाइट रोटी खाते हैं। डाइट रोटी में आ जाता है जौ का और बाजरे का आटा और गंदम का। एक मुट्ठी गंदम का भी ऐड कर दूँगी इसमें, और फिर बेसन का आटा इसमें ऐड करूँगी, ताकि तीन रोटियों का आटा सुबह दोपहर शाम के लिए बन जाए। ठीक है, अब मैं इसको गूंद लूँगी। देखें, ये डाइट रोटी होती है, इससे बंदा मोटा नहीं होता, फैटी नहीं होता। ठीक है, आ रही हूँ आज सरसों के तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। और ये अब जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं प्याज ऐड कर दूँगी। अभी मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं, और ये चटनी है, चटनी के पीछे बिना सोच के खामा खामे खामिया ये खोजते। ये देखें जी, उस्मान अली का कल हिट हो गया भाई। तो हो गया हमारा लंच रेडी, और हम यम्मी किस्म की हरी चटनी के साथ इंजॉय करेंगे। आज लीशा ने व्लॉगिंग की है, देखा आपने कैसे वो पूरे घर का जायज़ा ले रही थी और सारे काम मेरे साथ हेल्प करवा रही थी माशाल्लाह, और छोटे छोटे काम करती है वो, बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह। और शाम में हम जाएंगे बाहर ज़रा ग्रॉसरी करने और कुछ शॉपिंग करने के लिए, और बाहर से ही कुछ खा लेंगे या घर ले आएंगे। ठीक, रहिएगा हमारे साथ और इंजॉय करिएगा। तो ये थी हमारी संडे की रूटीन। आप बताएं आपको कैसी लगी हमारी संडे की रूटीन। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, अल्लाह की अमान में रहें हमेशा।